हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मेरे साथ जुड़े रहें, साथ में आपको बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया की प्राइवेट नंबर वन कंपनी है, चाहे वो कोई भी कैपिटल मामले में लीजिए, हर चीज़ में नंबर वन कंपनी है, टॉप नॉच कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, ले रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले। साथ में हम लोग ये भी फोकस में रखेंगे, आपने बाई करना, अभी करंट मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट को एकदम क्लियरली देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, टेक्निकल बेसिस पे हमें क्या संकेत मिल रहा है वो सब कुछ देखेंगे। तो आज ही आपको एनएस की वेबसाइट पे लेके आ जाता हूँ। पिछले दिन की, यानी कि जिस दिन हमारा फ्राइडे को ट्रेडिंग हुआ था, उस दिन देख सकते हो टॉप मूविंग कंपनी में नंबर वन पे है रिलायंस। बहुत दिनों बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिली है इस रैंकिंग में, टॉप वन पे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ पे ओपन क्लोज एवरीथिंग की बात की जाए तो देखने को मिल जाएगा आपको कि स्टॉक ओपन होता है यहाँ पे आपको 2585 के लेवल पे, और उसके बाद एग्जैक्टली अगर बताऊं 2585 के ओपन होने के बाद एक छोटा सा लो बनाता है 2581 रुपये का, लगभग 4-5 रुपये का। जो भी ये लो देख के अगर शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे फिर उनकी तो मतलब क्या ही मैं बताऊं। उसके बाद देखते हैं एक हाई लगाता है 2684 रुपये का, जो कि इसका ऑल टाइम हाईज भी है। और उसके बाद अगर बात करें एग्जैक्टली क्लोजिंग बेसिस की, तो 2671.25 रुपये पे एकदम एग्जैक्टली क्लोजिंग देता है। मूवमेंट की बात करें 4% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली रिलायंस जितने बड़े दिग्गज शेयर में, रीज़न क्या हो सकता है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात आ रही है, वॉल्यूम जो है 72 लाख वॉल्यूम हुआ है, 29 लाख वॉल्यूम की ट्रेड डिलीवरी उठाई है 40% से ज़्यादा। आपको याद होगा मैं जब भी इस स्टॉक में वीडियो बनाता हूँ, आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली डायरेक्टली हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, जब जब भी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का देख रहे होते हैं, डिलीवरी परसेंटेज 30% से ज़्यादा हमने बहुत ही रेयर चांसेस में देखा है। या तो वहाँ पे वॉल्यूम ही कम रहता है तो 30% से ज़्यादा आता है, या वॉल्यूम ज़्यादा रहता है तो 30% ही हमें डिलीवरी देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं मेन रीज़न पे, क्या हो रहा है, क्यों ये सब धूमधड़ाका जो भी हो रहा है। तो देखिए, न्यूज़ का मोमेंटम हमें कब देखने को मिला, एक दिन पहले, और न्यूज़ आती है कब, आ जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 अक्टूबर की न्यूज़ है, आज के लगभग 4 बजे ये न्यूज़ आई है, अ लुक एट रिलायंस मेगा प्लान टू मेक इंडिया वर्ल्ड लीडर इन ग्रीन एनर्जी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑन संडे एक्वायर नॉर्वे हेडक्वार्टर सोलर मॉड्यूल मेकर REC सोलर होल्डिंग्स, यानी REC ग्रुप को इन्होंने एक्वायर किया है विद अराउंड 5,5800 करोड़ फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार। यानी कि अब ये इंडिया में एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है रिलायंस, जो कि पावर सेक्टर में बहुत धमाका करने वाली है। और पावर का जो क्राइसिस का सडन न्यूज़ आ रहा था उस पे रिलायंस, जो भी आप टाटा पावर्स में मूवमेंट देखते होंगे, तो हर पावर सेक्टर की कंपनियों में एक मूवमेंट आ रहा है, जिसके वजह से कि हमें यहाँ पर रिलायंस में भी मूव देखने को मिला है। बट ये न्यूज़ हमारे पास कब आ रही है, देख रहे हो आप कितने लेट आ रही है। तो आपको एक चीज़ तो पता करना है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। तो गुड क्वालिटी शेयर्स को गुड प्राइस पे बाई करना ना भूले। आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, 1800 के लेवल से, 1800 1900, हर एक लेवल पे आपको बाइंग बोला है। क्या मैं इस लेवल पे भी बाई करूँगा? देखो, जिसका विज़न 5 साल है उसके लिए इस लेवल पे भी बाई है, बट जिसको 4 से 5 मंथ के अंदर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा बनाना है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके ही बाई करें। अब चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ यहाँ निकल के आ रहा है, RIL रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे इन्होंने जो एक्वायर किया है वो कितने रुपए में किया है, तो $771 मिलियन में, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। और ये रिलायंस किस चीज़ के लिए एक्वायर किया है, तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, जो इन्होंने RNESL जो सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए, उसके लिए 100% एक्विजिशन किया, 100% शेयर होल्डिंग, यानी कि REC लिमिटेड अब रिलायंस की पूरी ओन्ड हो गई है। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ यहाँ निकल के आ रहा है, मुकेश अंबानी इंटर्स इनटू वर्ल्ड्स एक्सक्लूसिव 100 बिलियन क्लब अलोंग साइड जेफ बेजोस एलोन मस्क। यानी कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं अंबानी साहब, कहाँ इंटर्ड हो चुके हैं, 100 बिलियन क्लब आफ्टर द स्टॉक, जो भी इनके स्टॉक में मूवमेंट हमें 8 अक्टूबर को देखने को मिली उसके हिसाब से अब ये क्या हो चुके हैं, एलोन मस्क
और जेफ बेजोस, इनके कंपैरिजन में इनका मतलब हो चुका है नेटवर्थ। ठीक है, अब आते हैं कुछ चार्ट पैटर्न पे, उसके बाद आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके चलूंगा, वहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे। तो देखिए चार्ट पैटर्न देखिए, हमें हर एक डिप पे बाइंग दिखाया है। अगर हम बात करें इस लेवल पे, तो यहाँ पे जो हमें ये सपोर्ट मैंने आपको एग्जैक्टली बताया भी था उस टाइम कि रिलायंस को छोड़ना नहीं है। अगर एग्जैक्टली बात करूँ 1970-72 के लेवल, उसके नीचे जब ये गया था स्टॉक यहाँ से ये रेड वाली कैंडल्स बनाते हुए, तो मैंने आपको बोला था सपोर्ट ले तो बाई करो। सपोर्ट लिया इस लेवल पे, कब? 1900 के लेवल के नीचे, यहाँ पे 1972 के लेवल को तोड़ा था और आया था आपको 1916 के आसपास। एग्जैक्टली हाँ, 1900 के नीचे ने 1916 के आसपास आया था, आपको बाई करना था। उसके भी पहले बात करें हम यहाँ, तो 1895 तक के लेवल को टच किया था रिलायंस ने, अप्रैल में बाई करना था आपको। चलिए मौका छूटा, कोई बात नहीं, यहाँ से अप मोमेंट हमें देखने को मिला, कोई बात नहीं। फिर से एक गिरावट आती है, फिर से स्टॉक 2000 के लेवल को टेस्ट करता है, फिर से नहीं बाई करते, और 2000 से देखते देखते 2600 का मोमेंटम, यानी कि लगभग लगभग 30% का मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है इस स्टॉक में। अब हम बताएं RSI इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक 75 के आसपास आ चुका है, ओवरबोट सिचुएशन में जाने वाला है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा, अब यहाँ पे न्यूज बेस स्पेकुलेटिव होगा, तो ऐसा नहीं है कि अप मोमेंटम नहीं आएगा। अप मोमेंटम आएगा तो टारगेट भी रखिएगा और स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। पहले क्या था, स्टॉप लॉस नहीं रखते थे, चलता था काम। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल की बात कर ले यहाँ पे, तो अगला हमारा टारगेट होने वाला है 2763। 2763 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद उसका अगला जो लेवल आ रहा है 3000 के ऊपर आ रहा है, यानी 3078। आपको याद भी होगा कम्युनिटी टैब में मैंने पूछा था क्या रिलायंस का टारगेट हो सकता है अगले आने वाले 1 महीने में, और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यहीं अब 2400 के आसपास या ऑल टाइम हाइज के आसपास घूमता टहलता रहेगा। बट रिलायंस ने वो सब तोड़ताड़, मतलब बहुत आगे निकल गया रिलायंस। 2300 का लेवल इसके लिए निकलना बहुत मुश्किल था, बस 2300 निकलते ही 2600 कब टच कर दिया पता ही नहीं चला। अब बताते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात कर लें, यहाँ पे 2498 का जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी अच्छा है। क्यों अच्छा है 2400 का जो सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे 20 डेज़ के EMA के आसपास आएगा। उसके नीचे बात करें तो आपको 2326 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो दो सपोर्ट लेवल बता दिए, इनको आप मान के चल सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो कम से कम अगर यहाँ से ऊपर के मोमेंटम के लिए ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस 2608 के आसपास होना चाहिए, अगर 2671 के ऊपर ले रहे हो तो। बाकी आप अपना ट्रांजेक्शन सोच समझ के करें। चलिए आपको बता देंगे फिबोनैची के लेवल के लिए, आपको सीधे लेके आ जाता हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, और मनी कंट्रोल पे आपको बताना चाहूँगा क्या यहाँ चल रहा है। मनी कंट्रोल पे आपको लेके आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे मनी कंट्रोल पे हम लोग देखेंगे रिलायंस का फिबोनैची लेवल। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फिबोनैची लेवल मैं के लिए मैंने ओपन कर रखा है, और कभी भी आपको रिलायंस टाइप के शेयर में स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना हो, तो आप वहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है रिलायंस PP पार्टली पेड अप का, वहाँ पे मोमेंटम जो होता है ना गजब का लेवल आता है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे फिबोनैची लेवल जो निकल के आ रहा है 2568 का, यहाँ पे सॉरी ये जो इन्होंने लेवल यहाँ पे निकाला हुआ है, थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा अपडेटेड नहीं हो पा रहा है। हाँ यहाँ पे 2685 का R1 है, 2709 का R2, और यहाँ पे 2748 का R3 निकल के आ रहा है। सपोर्ट वन की बात करें तो 2606, 2608 का मैंने स्टॉप लॉस बताया, तो इसके 2 रुपये नीचे बताया, सॉरी 2 रुपये ऊपर ही बताया, बताएं 2582 और उसके बाद नीचे 2542। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और सबसे बड़ी बात की वॉल्यूम देख सकते हो कितना खजा है, मतलब 56% की डिलीवरी, 50% की डिलीवरी, 50% की और 40% की, तो डिलीवरी का लेवल गजब लेवल से बढ़ा हुआ। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।